हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। प्रोमिला की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंपल तरीके से चिली पनीर। चिली पनीर बनाने के लिए मैंने ले ली हूँ आधा किलो के करीब शिमला मिर्च, और ये आधा किलो पनीर ले लिया है, और दो टमाटर, हरी मिर्च और दो प्याज ले लिए हैं, और थोड़ा सा लहसुन। अब इनको मैं काट लेती हूँ सबको छोटा छोटा, उसके बाद मैं चिली पनीर बनाऊँगी। चिली पनीर बनाने के लिए मैंने ये शिमला मिर्च काट लिए छोटे छोटे, और ये पनीर के टुकड़े कर लिए हैं, और दो टमाटर काट लिए, और प्याज भी छोटे छोटे काट लिए। अब मैं पनीर को पहले फ्राई कर लूँगी। अब ये तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें पनीर के टुकड़े डालूँगी। गैस थोड़ी सी मीडियम रखनी है। अब हम इसको मीडियम गैस पे फ्राई करेंगे धीरे धीरे। अब ये पनीर फ्राई हो गया है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और पनीर को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं शिमला मिर्च में तड़का लगाऊंगी। पहले ये जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी मेथी दाना। ये थोड़ा सा तेल लिया मैंने, बाकी तेल निकाल दिया था पनीर फ्राई किया हुआ। इसमें डाल दें लहसुन प्याज को कटा हुआ। प्याज थोड़े ब्राउन हो गए हैं, अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर और हरी मिर्ची। अब इनको भी मैं थोड़े से पका लेती हूँ अच्छी तरह। अब मैं इसमें डालूंगी दो चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा सूखा धनिया, और ये स्वाद अनुसार नमक। और ये थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूँ। अब ये मसाला तैयार हो गया है, टमाटर पक गए हैं बिल्कुल। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दो चम्मच दही, इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। जल्दी जल्दी चलाना नहीं तो दही फट जाएगी। जल्दी जल्दी चलाना है इसको, दही को अच्छी तरह से मिलाना है इसमें। ये हमारी बढ़िया सी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, होटल वालों की तरह ग्रेवी। मैं ये पनीर चिल्ली सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी। आप अपनी मर्जी से इसमें चिल्ली सॉस, सोया सॉस या टोमेटो सॉस कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, बाकी सब चीज़ें नहीं डाल रही। अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च। अब मैं गैस को कम करके और इसको 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ, और बीच बीच में चलाते रहना है इसको। दो दो मिनट बाद ये शिमला मिर्च पक के तैयार हो जाएगी। अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ।
ढक्कन लगा दिया है और गैस कम करनी है बिल्कुल अपने आप। अब ये शिमला मिर्च तैयार हो गई है पक्के। अब मैं इसमें डालूंगी पनीर। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। ये मिक्स हो गया है। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख देती हूँ क्योंकि पनीर पहले से हल्का फ्राई किया हुआ है, अब इसमें अच्छी तरह से और पक जाएगा। मैं 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ इनको। ये हमारी सब्जी तैयार हो गया बिल्कुल चिली पनीर की। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना, सिंपल देसी स्टाइल में चिली पनीर, ना कोई सॉस डालना कुछ नहीं, अपना सिंपल तरीके से बनाई है मैंने। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये साथ में थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल देती हूँ, थोड़ा सा और टेस्ट आ जाएगा। इसको मिला देती हूँ। ये देखो इतनी बढ़िया बन के तैयार हुई। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।